हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको इस टाइम महालक्ष्मी पूजा और गणेश पूजा चल रही है, तो आप आंवले का पेड़ ला करके अपने घर में ज़रूर लगा सकते हैं। आंवले का बीज पेड़ बीज से भी ग्रो सकता है। अगर आपने आंवला है आपके पास, आंवले का मुरब्बा नहीं, आंवला कच्चा होना चाहिए, उसके बीज को भी आप उगा सकते हैं आराम से। ये देखिए, जो मैंने अपना ये आंवले का आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये मैंने 2-3 साल पहले बीज से ही उगाया था। ये कई सारे पौधे निकले थे, बस एक ही बचा है। ये देखिए कितना हेल्दी हो गया है। सबसे बड़ी बात तो है कि ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है, और इसकी भी पत्तियां और फल सब हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। और सब दूसरी बात ये है कि आंवले की पौधे में लक्ष्मी जी का वास है। इसको अपने घर में लगा करके इसकी पूजा करें तो इससे घर में सुख शांति आती है। ये भी हमारे जो 9 पौधे हैं ऐसे, जिससे घर में सुख शांति और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, उन्हीं में इनकी गिनती होती है। और आंवले का तो पता ही है कि ये अमृत फल है। वैसे तो हमें शुक्रवार और नवमी को इनकी स्पेशल पूजा करनी चाहिए, और डेली हो जाए तो सुपर है। और अभी तो कार्तिक आ रहा है, तो कार्तिक में तो इनकी महापूजा होती है आंवला नवमी। उसके लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है, क्योंकि नवमी वाले दिन आंवले के वृक्ष की छाया में भोजन करने से और उनकी पूजा करने से, परिक्रमा करने से शायद का नाश होता है। तो हमें जाने की कहीं क्या ज़रूरत है, अपने घर में ही छोटे से गमले में इसको लगा लें। मैंने जब इसको लगाया था तो मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, और अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं जब इसकी सिंचाई कर रही थी तो मुझे लगा कि, क्योंकि ये छोटी सी जानकारी मैं अपने फ्रेंड्स को भी दे दूँ, जिससे कि वो भी अपने घर में आंवला लगा सकें। और अभी तो आराम से मिल भी जाएगा नर्सरी में इसकी पौधे, और उग भी जाएगा क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है। और ध्यान रहे इसको उत्तर पूर्व दिशा में ही रखें, और बस ज़रा आप ध्यान रखें कि इसमें हमारा गंदगी का आसपास गंदगी ना हो, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ये मैंने नीम की पत्तियां डाली थी, तो इससे हमें ऑर्गेनिक भी रहा, और इसमें अगर कुछ कीड़ा का लगना हो तो वो भी नहीं लगेगा। तो मैंने इसको भिगो करके नीम की पत्ती डाली हुई है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बस ये आप अपने घर में ला करके लगाएं और लक्ष्मी जी का वास पाएं। और वैसे भी इस टाइम गणेश चतुर्थी भी चल रही है, तो ये छोटी सी जानकारी मुझे लग रहा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने घर में लक्ष्मी जी का वास करें, पौधे को ला करके लगाएं। बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं इस टाइम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर किसी वीडियो के साथ मिलती हूँ।